हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज आपके लिए लेके आए हैं मैसे व लैसे। मैसे व लैसे का पार्ट 3 है, आज इसको हम पूरा कर देंगे। इससे पहले हमने आपको इसका भाग 1 व भाग 2 बताया है कि हमारा मैसे क्या होता है और लैसे क्या होता है और किन विधियों से हम सरल विधियों से लैसे और मैसे को ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन किए हैं इस पर हमारी वीडियो में, और आज भी और परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन करेंगे। ये जितने भी हमने बोर्ड पे आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हुए हैं, ये सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मैसे व लैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीरो टू जीनियस, ये जितने भी हमारे प्रश्न हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में, प्रतियोगिता में आपसे पूछे गए हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, होटल मैनेजमेंट आदि बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कि इनका हल किस प्रकार बनता है। आपको दे दिया गया है 16a² b c² क्या दिया है? 16a² b c³ 32a² b³ c³ 64a³ b³ व c² का लैसेपे ज्ञात कीजिए। लैसेपे क्या होता है? हमने आपको बताया था लैसेपे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी नंबरों से विभाजित हो जाए। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 16, 32 और 64। 16, 32 और 64 का लैस है क्या आ गया हमारा? सबसे पहले लैस है हमारा होता क्या है? लैस है पे, इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ी घात। बड़ी घात, अब आप यहां पे देखिए जो 64 दिया गया है 16 से डिवाइड हो जाता है, 16 चौका 64, 32 दूनी 64, तो लैसे तो आ गया हमारा 64। अब बात करते हैं एबीसी का लैसे। तो एबीसी हमने लिखा है बड़ी घात, तो हम बड़ी घात चुनेंगे। देखिए यहां पे ए की 2 घात है, यहां पे 1 है, यहां पे ए की 3 घात, तो ए की लिख दिया हमने 3 घात। अब बी की घात देखेंगे, यहां पे 1 घात है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 घात, तो बी की 3 घात। अब यहां पे सी की चेक करेंगे, सी की 3 घात, यहां पे सी की 3 घात, यहां पे सी की 2 घात, तो सी की भी 3 घात। तो ये आ गया हमारा इसका लैसेपे, क्या आ गया? 64a³ b³ c³3। बड़ी घात हमारा लैसे होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका आंसर बनाने में, जब आप इस बात को समझ लोगे। पहले वाले भाग में 2 वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कि आप किस प्रकार से लैसे ज्ञात कर सकते हैं, और यहां पे भी आप देखिए हमने बताया है कि बड़ी घात लैसे होता है। तो देखिए 16, 32, 64, तो 16 चौका 64, 32 दूनी 64, 64 सबसे डिवाइड है, बड़ी घात है, तो 64 आ गया, बड़ा नंबर है। अब यहां से ए की बड़ी घात देखी, फिर बी की बड़ी घात देखी और फिर सी की बड़ी घात लिख दी, तो ये हमारा आ गया लैसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे देखिए 2 की घात 7, 2 की घात 4, 2 की घात 3, 2 की घात 11 का लैसे पे ज्ञात कीजिए। हमें इसका लैसे पे ज्ञात करना है, तो हमने बताया है लैसे पे क्या है आपका? बड़ी घात लैसे पे बड़ी घात होता है, और यहां से इस क्वेश्चन में बड़ी घात क्या है हमारी इस प्रश्न में? देखिए यहां पे 7 घात है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 और यहां पे 11, तो हमारा लैसे क्या बना? 2 की घात 11। देखिए 2 सेकंड में महज आपका आंसर आ गया है, और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 2/5, 3/10, 7/15 का लैसे पे ज्ञात करो। भिन्नों के रूप में दे दिया है हमें, हम जानते हैं भिन्नों का लैसेपे क्या होता है कि अंश का लैसेपे
जो अंश दिए गए हैं ऊपर वाले भाग, अंशों का लैसैप है वह हरों का मैसैप है। तो अंशों का लैसैप है कितना आ जाएगा, देखिए यहां से लैसैप ज्ञात करना है तो अंशों का लैसैप है और हरों का मैसैप है। देखिए क्या आएगा, दो तिया छह, छह सते बयालीस। देखिए ये बयालीस ऐसा नंबर है जो दो से भी डिवाइड हो जाएगा, तीन से भी विभाजित और सात से भी विभाजित है कि नहीं। तो इनका लेस है क्या आ गया, छोटी से छोटी संख्या बयालीस। वह छोटी से छोटी संख्या जो दो तीन सात से विभाजित हो बयालीस है, तो लेस है क्या आ गया बयालीस। अब नीचे वाले हर जो है हमारे हर का ज्ञात करते हैं मैसे, इनमें क्या होता है वह बड़े से बड़ा अंक इन तीन में ही जो दिए गए सभी को विभाजित कर दे। तो यहां पे देखिए पांच अपने आप को विभाजित कर देगा, पांच एकम पांच, पांच दस को विभाजित कर देगा, पांच दूनी दस, पांच पंद्रह को भी विभाजित कर देगा, पांच या पंद्रह, तो मैस है क्या आ गया हमारा पांच। तो हमारा आंसर क्या आया, दो बटा पांच, तीन बटा दस व सात बटा पंद्रह का लेस है पे क्या होगा हमारा बयालीस बटा पांच। ये आपका आंसर आ गया, महज दो सेकंड में आप आंसर ले आए, इतना इजी है करना। तो चलिए देखते हैं अभी और क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये प्रश्न क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात तीन बटा चार है। आप जानते हो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का अर्थ होता है बटा, ठीक है। कि दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार है, यदि इनका मैसेप है बारह हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए आपको बहुत ही अच्छी विधि बताते हैं। देखिए मैसेप है हमारा क्या होता है, मैसेप है एक पहाड़ा होता है, हमने आपको बहुत बार बताया कि मैसेप है एक पहाड़ा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं हल में, मैसेप एक पहाड़ा है, एक पहाड़ा है। कैसे, देखिए दो संख्याएं दी गई है जिनका अनुपात चार अनुपात सॉरी तीन अनुपात चार है, यदि इनका मैसेप है बारह हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, बारह तिया छत्तीस और बारह चौक अड़तालीस, तो हमें संख्याएं छत्तीस व अड़तालीस है, ये तीन दिया है। देखिए जब हम छत्तीस बटा अड़तालीस करेंगे तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा इस 12 से, 12 तिया 36, 12 चौक 48 आ गया तीन अनुपात चार हमारा, है ना बड़ा इजी। दो सेकंड की ट्रिक है, मैसेप है हमारा एक पहाड़ा होता है, पहाड़ा कैसे, 12 के ही पहाड़े से तो डिवाइड होके आया ये तीन अनुपात चार, कैसे 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये संख्याएं हमारी क्या है जो हमें ज्ञात करनी। देखिए उसने क्या कहा, दो संख्या अनुपात तीन अनुपात चार है, उनका मैसेप है बारह है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया आपको मैसेप है एक पहाड़ा है, बारह या छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, तो संख्याएं क्या आ गई हमारी छत्तीस व अड़तालीस। बहुत अच्छी ट्रिक है, दो सेकंड में आप आंसर ला सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दस बारह पंद्रह से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो दस से भी कट रहा है, भाग आ रही है पूरी पूरी, 12 से भी भाग आ रही है और 15 से भी। तो देखिए यहां पे जहां पे भी आपको छोटे से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसका लैसेप ले लेंगे, लैसेप, और लैसेप लेने की विधि हमने आपको दो बताई है, भाग विधि गुणनखंड विधि, आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। चलिए 10 का ले लेते हैं, 10 का क्या आएगा हमारा, दो गुणा पांच, दो पंजे दस, इस प्रकार से टुकड़े कर लिए हमने, बारह, दो गुणा दो गुणा तीन, दो दूनी चार तिया बारह, ऐसे बना लिया। अब आता है हमारा पंद्रह, दो पंद्रह, दो नहीं आएगा, तीन गुणे पांच, ठीक है इस प्रकार से। चलिए देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा दो यहां है, दो यहां है, एक दो लिख लिया,
अब क्या बचा? एक दो, तो अब इसे भी लिख देंगे जो बचा हुआ है, हो गया पूरा। पांच यहां है, पांच यहां है, तो एक पांच आ गया इनमें से। तीन यहां है, तीन यहां है, तो एक तीन आ गया। अब देखते हैं, दो दूनी चार, चार पंजे बीस, बीस तिया साठ, तो वह संख्या क्या है जो 10 से 12 से 15 से विभाजित हो जाएगी? 60। देखिए, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, है ना ये नंबर? तो वह संख्या हमारी 60 है जो 10 से 12 से 15 से विभाजित हो रही है। एक तो ये हो गई हमारी गुणनखंड विधि, एक होती है हमारी भाग विधि। तीनों को लिख लेंगे, 10, 12 और 15। सबसे पहले दो से करेंगे, दो पंजे 10, दो छह की 12, 15 जो का तू। अब फिर दो से चल जाएगा, पांच जो का तू, दो तिया छह और 15। अब तीन से, पांच जो का तू, तीन एकम तीन और तीन पंजे 15। अब पांच से, पांच एकम पांच, एक पांच एकम पांच। अब जितने नंबर आए हैं सभी की गुणा कर लेंगे, दो गुना तीन गुना पांच, आ गए ना देखो यही नंबर हमारे, और जब इनसे गुणा करेंगे तो आ गया 7। तो इस प्रकार से हमने आपको दोनों विधियां बताई हैं। जो भी आपको उचित लगे आप तुरंत उस विधि से कर सकते हो, और जब आप इन्हें करके बहुत ज्यादा अभ्यास कर लोगे तो आप ऐसे ही आपके दिमाग में नंबर आ जाएगा कि 10 से 12 से 15 से क्या, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ऐसी संख्या 60 है, तो आप तुरंत मार दोगे इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर व 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करें। यानी कि एक व्यक्ति के पास एक तो 48 लीटर का कोई टैंकर है, एक 64 लीटर का है, एक 56 लीटर का, जिनमें क्या है, तेल भरा हुआ है, और उस व्यक्ति को कह दिया कि आपको समान धारिता वाले डिब्बों में इन्हें बंद करना। ठीक है, समान धारिता का मतलब कि माना सब में पांच पांच लीटर आ जाए या दस दस लीटर आ जाए, इस प्रकार का कोई डब्बा बताना कि जिसमें समान मात्रा वाले आ जाए, और उन डब्बों की संख्या भी बतानी कि बंद करे तो कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर, देखिए मेरी बात सुनिए, उसने कहा है, चलिए मैं आपको बता दूं, हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जो 48 को, 64 को और 56 को डिवाइड कर दे। यानी कि इसका हम क्या लेंगे, मैसेप है। ऐसा कोई नंबर जो 48 को, 64 को और 56 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो मैसेप है लेंगे हम किसका, 48 का, 64 का और 56 का। या तो अपना इस विधि से ले लीजिए, ठीक है, या फिर गुणनखंड विधि से लीजिए मैं ऐसे पे। और ऐसा नंबर जो इन सबको विभाजित कर दे, देखिए क्या है, 8 6 48, 8 8 64 और 8 7 56। तो ये तो गुणा से ही पता लग गया, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, मैं से पे एक पहाड़ा होता है। इतना लंबा लिखने की और करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं से पे एक पहाड़ा होता है, और पहाड़े में क्या आ गया हमारे, आठ के पहाड़े में तीनों अंक आ गए, तीनों आठ से डिवाइड हो रहे हैं, 8 6 48, 8 8 64 और 8 7 56। तो हम क्या लिखेंगे, आठ का पहाड़ा। और जब आठ का पहाड़ा इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो हमारा मैसे क्या आ गया, आठ, आठ आ गया। और मैसे जब आठ आ गया, यानी कि एक ऐसी माप आ गई कि आठ आठ लीटर के हम डब्बे बना लेंगे, लेकिन अभी ये आंसर हमारा आठ नहीं आया, हमें डब्बों की संख्या बतानी है। तो हम कहेंगे डब्बों की संख्या, ये तो आई है धारिता, कि कितनी धारिता वाला डब्बा ले, तो 8 लीटर वाला डब्बा लेंगे। और डब्बों की संख्या, डब्बों की संख्या कैसे पता करेंगे, 48/8 प्लस 64/8 प्लस 56/8, तीनों को जोड़ लेंगे, 8 6 48, भाई इसके तो 48 लीटर के तो बनेंगे 6 डब्बे 8 लीटर वाले, 8 8 64,
64 लीटर में से 8 लीटर के बनेंगे 8 डब्बे, और 8×7=56, 56 लीटर में से 8 लीटर के बनेंगे 7 डब्बे, तो टोटल कितने हो गए 8 और 6 14 और 7 21 डब्बे। तो 21 डब्बों में हमारा ये पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा तेल आ जाएगा 21 डब्बों में। 8 लीटर धारिता वाले 21 डब्बे, तो हम लिख सकते हैं 8 लीटर धारिता वाले 21 डब्बे। 8 लीटर धारिता वाले कितने डब्बे? 21 डब्बे चाहिए हमें। उसने कहा कितने डब्बों की आवश्यकता होगी? 21 डब्बों की धारिता पूछी है, 8 लीटर धारिता। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 घंटियां क्रम से 10 मिनट, 20 मिनट व 40 मिनट के अंतराल से चले। घंटियां हैं 3 जो कि 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं या चल रही हैं। यदि वे 9:20 पर एक साथ चली या एक साथ बजी, तो वापस कितने बजे एक साथ बजेगी? देखिए आपको एक बात क्लियर कर दी जाए, घंटियों वाले प्रश्न हो या चौराहे की बत्तियों वाले प्रश्न हो या 2-4 धावक दौड़ने वाले प्रश्न हो, तो सभी में हम लैसे पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लैसे पे निकालेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं कि घंटियां, बत्तियां धावक वाले प्रश्नों में लैसे पे लेंगे। घंटियां, बत्तियां धावक वाले प्रश्नों में लैसे पे लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमें किसका लैसे पे लेना? 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट। देखिए 2 सेकंड में आंसर कैसे आ रहा है। तो यहां पे 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, यानी कि हमें लैसे पे किसका लेना है? 10, 20 और 40 का। और लैसे पे मैंने क्या बताया है कि वह छोटे से छोटा अंक, छोटी से छोटी संख्या दिए गए सभी अंकों से विभाजित हो जाए। देखिए 10 से, 20 से और 40 से विभाजित होने वाला अंक हमें देख, चलिए बड़ा बड़ा ये शून्य को भी आप एक मिनट के लिए भूल जाइए। तो अब हम यहाँ पे 1 से 2 से और 4 से ऐसी संख्या देखेंगे जो 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी और 4 से भी। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए 4×2=8, 1×8=8, 2×4=8, 4×2=8, तो 8 हमारा 4 से 2 से 1 से विभाजित हो रहा है। अब उसके आगे हमने 0 बढ़ा देनी है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो हमें 8 के आगे 0 बढ़ा देनी है। तो वह नंबर कौन सा आ जाएगा जो 10, 20, 40 का लेस है? होगा 80। 80 हमारा वो नंबर है जो 10 से भी, 20 से भी और 40 से भी विभाजित होता है। देखिए 10×8=80, 20×4=80, 40×2=80, इन तीनों से विभाजित है कि नहीं? तो कितनी मिनट बाद में अब वापस बजेंगी? 80 मिनट बाद। हम लिख सकते हैं 10 मिनट, 20 मिनट व 40 मिनट का लेस है। जब आप अच्छे से करने लगोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट का लेस है, आ गया हमारा 80 मिनट। कितने मिनट आ गया? 80 मिनट। और एक मिनट में आप जानते हो कितना घंटा होता है, सॉरी, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और ये कितनी आई है हमारी? 80 मिनट। तो समय कितना आया है? 1 घंटा 20 मिनट। और 9:20 पर वो एक साथ बजी, तो हम क्या करेंगे? 9:20 प्लस
एक घंटा 20 मिनट, तो कितना आ गया हमारा 9 और 1 10, घंटे में घंटा जुड़ गया, 10 घंटे और मिनट में मिनट 40 मिनट, तो कितने बजे 10 बजकर 40 मिनट पर एक साथ फिर से बजे, कितने बजे 10 बजकर 40 मिनट पर। यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। एक बात मैंने लिखवा दी कि घंटियां हो, बत्तियां हो, धावक हो, इन सभी प्रश्नों में लैसे लेंगे, क्या लेंगे लैसे पे। और देखिए लैसे पे का तरीका क्या है कि दिए गए सभी नंबरों से एक ऐसा नंबर होता है जो विभाजित हो जाता है। देखिए 10 8 80, 20 4 80, 40 2 80 हो रहा है विभाजित सभी से, तो हमारा लैसे आ गया 80, और 80 मिनट में कितने घंटे बने, एक घंटा 20 मिनट, और एक घंटा 20 मिनट हमने इस समय में जोड़ दिया, आ गया 10 बजकर के 40 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो टंकियों की धारिता क्रम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मात्र 2 सेकंड में आंसर। दो टंकियों की धारिता क्रम से 42 लीटर 56 लीटर है, वह बड़ी से बड़ी माप का डब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप। देखिए पहली तो बात दे दी बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी में हम क्या लेते हैं मैसे पे, और एक बात और ध्यान रखेंगे जहां पे भी आपको धारिता दे दी जाए तो धारिता वाले प्रश्न में हमेशा मैसे पे लेना है। और मैंने आपको मैसे पे क्या बताया, मैसे पे हमारा एक पहाड़ा होता है जो कि इन दिए गए नंबरों को विभाजित कर देगा, तो ऐसा कोई नंबर है जो इन्हें विभाजित कर दे, 7 6 42 और 7 8 56, तो क्या आ गया 42 लीटर व 56 लीटर का मैसे 7 है, और वह धारिता वाला डब्बा भी क्या होगा 7। 7 लीटर का एक डब्बा लेंगे तो वो 42 लीटर को भी माप देगा और 56 लीटर को भी माप देगा। उसने डब्बों की संख्या हमसे नहीं पूछी, यदि डब्बों की संख्या वो हमसे पूछता तो हम 7 से 42 को डिवाइड करते, 42 लीटर में कितने डब्बे बनते हमारे 7 लीटर के 6 डब्बे, 7 6 42, इसमें कितने बनते 7 8 56, 8 डब्बे, कुल डब्बे कितने हो जाते 8 और 6 14 डब्बे। लेकिन उसने डब्बे नहीं पूछे, उसने बस पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसा डब्बा बताओ जो इनको पूरा पूरा माप दे, तो वो डब्बा कितने लीटर का होगा 7 लीटर का, डब्बा कितने लीटर का होगा वो 7 लीटर का। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। मैसे पे हमारा एक पहाड़ा होता है, एक लाइन में आंसर, बड़ी बड़ी गुणा भाग करनी नहीं है आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंटों के एक ढेर को क्रम से, एक ईंटों का ढेर लगा हुआ है 32 40 72 के ढेर बनाने पर, यानी कि ईंटों के एक ढेर के हमने 3 ढेर बना दिए, 32 का बनाया, 40 का बनाया और 72 का बनाया, तो प्रत्येक दशा में 10 18 व 50 ईंटें शेष बच जाती है, यानी कि जब हमने 32 ईंटों का ढेर बचाया बनाया तो 10 ईंट बच गई, 40 ईंटों का ढेर बनाया तो 18 ईंटें बच गई, 72 ईंटों का बनाया तो 50 ईंटें बच गई हमारी। तो उसने कहा है इन ढेरों में कम से कम कितनी ईंटें हैं। देखिए कम से कम दे दिया तो हमें क्या याद करना है लैसे पे, लैसे पे। और देखिए 32 में से हम 10 घटाए तो कितना आ गया हमारा 32 - 10 = 22। अब 40 ईंटों का ढेर बनाया, इसमें से कितनी बची 18, तब भी 22 आ गया हमारा। 72 ईंटों का ढेर बनाया, इसमें से हमने कितनी घटाई 50 बच गई, तब भी 22 आ गया। तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है 22 22 22, प्रत्येक दशा में हमारी 22 ईंटें बच रही हैं, प्रत्येक दशा में हमारी 22 ईंटें बच रही हैं, और हमसे पूछा है कि ढेर में कम से कम कितनी ईंटें हैं। तो चलिए लैसे पे ले लेते हैं हम, किसका 32 का 40 का और 72 का, इनका लैसे पे लेकर 22 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि प्रत्येक दशा में हमारी 22 ईंटें बच रही हैं। ठीक है,
तो वो ईंटों की संख्या आ जाएगी हमारी। चलिए दो से, दो एकम दो, दो छिक बारह, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो छिक बारह, छत्तीस आ गया। फिर से दो अठे सोलह, दो ढाई बीस, अट्ठारह दूनी छत्तीस। फिर से दो से, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो नम अट्ठारह। फिर से दो से, दो दूनी चार, पाँच का पाँच, तीन तिया नौ। फिर से दो से, दो एकम दो, पाँच का पाँच, तीन का तीन। अब तीन से, अब पाँच से, तो ये तब तक करते जाते हैं हम जब तक हमारा वन वन नया। देखिए हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए इसके टुकड़े करने पर, दो गुणा दो गुणा दो, वन टू थ्री फोर फाइव, गुणा दो और फिर ये तीन और पांच भी गुणा में लिख देंगे हम। तो लैसे पे कितना आया हमारा, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, और बत्तीस तिये हमारे तीन छियानवे, बत्तीस तिया हमारा हो गया छियानवे, और छियानवे पंजे छह, पंजे तीस, और पांच नम पैतालीस, पैतालीस और तीन अड़तालीस। नहीं ये नहीं आएगा इसका लेस है, देखिए ये यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये यहां पे हमने इसे दो से ही डिवाइड करके तीन कर दिया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हमारा नौ चलता रहेगा अभी, क्योंकि अभी तीन से, और यहां पे जब हमने दो एकम दो, अब तीन से चलाएंगे इसमें यहां पे। तीन तीनों, और अब फिर तीन से चलेगा एक बार, क्योंकि तीन बच गया हमारा, हाँ ये तो नौ आ गया था ना अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे तीन से चलाएंगे, तीन तिया नौ, फिर से तीन से चलाएंगे, ये पांच जो का तो, और ये तीन आ गया, ये तीन एकम तीन यहाँ से, देखिए थोड़ा बड़ा करके दोबारा देख लेते हैं अच्छे से ताकि मिस्टेक ना हो दोबारा से। बत्तीस चालीस बहत्तर, दो से चलाया, दो एकम दो, दो छिक बारह, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो छिक बारह, फिर से दो से, दो अठे सोलह, दो ढाई बीस, अट्ठारह दूनी छत्तीस, फिर से दो से, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो निम अट्ठारह, फिर से दो से, दो दूनी चार, पांच जो का तो और नौ भी जो का तो, फिर दो से, दो एकम दो, पांच और ये नौ। अब तीन से, वन फाइव जो का तो, तीन तिया नौ, अब फिर तीन से, वन फाइव जो का तो हमारा, और तीन एकम तीन, अब पांच से, वन वन वन। अब देखिए ये क्या आ गया हमारा, एक दो तीन चार पांच, पांच बार हमारे दो हैं, और तीन है हमारा दो बार, और ये पांच अब आ गया। देखिए कैसे, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस तिया छियानवे, बत्तीस तिया छियानवे, और छियानवे तिया हमारा छत्तीया अट्ठारह, और नौ तिया सत्ताईस, और एक अट्ठाईस, दो सौ अठासी, दो सौ अठासी पंजे, पान अठे चालीस, पान अठे चालीस और चार चवालीस, और पान दूनी दस, दस और चार चौदह, यह आ गया चौदह सौ चालीस। तो लैसे पे हमारा कितना आया टोटल का, यहीं पे लिख देंगे चौदह सौ चालीस। अब इस चौदह सौ चालीस में से देखिए बाईस ईंटें कम कर देंगे, बाईस ईंटें बच रही हैं, तो चौदह सौ चालीस माइनस बाईस बराबर चौदह सौ अट्ठारह ईंटें। तो ईंटें कितनी है हमारी, चौदह सौ अट्ठारह। लैसे पे को हमने अच्छी तरह से निकालना है बस, ठीक है। देखिए छोटी संख्याओं का लैसे पे तो हम तुरंत मार सकते हैं,
अब अगर जो दो चार कुछ बड़े नंबर दे जाए तो उनको इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप 10 से 20 सेकंड में अपना आंसर इजीली ले आओगे। तो ये सभी जितने क्वेश्चन आज आपको कराए हैं वो सभी किसी न किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बने हुए हैं, कई कई बार प्रतियोगिताओं में आए हुए हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, कलर्क, बहुत सारी विभिन्न परीक्षाओं में ये इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं।